पिसा हुआ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, एक टेबलस्पून नमक, एक टेबलस्पून सुरख मिर्च, आधा टेबलस्पून हल्दी और एक कप कुकिंग ऑयल। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। एक कप कुकिंग ऑयल, इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे, फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। प्याज हमारे गोल्डन हो रहे हैं, थोड़ी देर में हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। प्याज हमारे हल्के से गोल्डन हो गए, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक भी हमारे गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर के साथ नमक, सूख मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा हम पानी डाल के मसाले को मिक्स करेंगे। एक मिनट के लिए हम ऊपर ढक्कन देंगे, टमाटर ज़रा गल जाएं। मसाले को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे टमाटरों को। अब हम इसमें जो दाल हमने भिगो के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। एक गिलास हम इसमें पानी और शामिल करेंगे। एक गिलास हमने इसमें पानी शामिल किया है, इसको तेज आंच पे हम एक उबाल आने देंगे, उसके बाद हम लो फ्लेम पे इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे। एक उबाल आने तक हम इसकी फ्लेम तेज कर देते हैं। दाल को एक उबाल आ गया, अब हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे 20 मिनट के लिए। दाल हमारी अभी पक रही है, हमारे घर अचानक मेहमान आ गए हैं तो अब मैं साथ ना मटन का कोरमा पकाने लगी हूँ खड़े मसाले वाला। इसके लिए मेरे पास 1.5 किलो मटन है, 3-4 मैंने प्याज लिए हैं, 3-4 गट्ठी लहसुन के लिए हैं, 2 टमाटर है, 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक है। अब हम बनाना शुरू करते हैं जल्दी से, ज़रा हम अचानक से हमारे घर मेहमान आए तो हम फटाफट ज़रा और खाना बना लें। इसमें हमने गोश्त डाला है, चूल्हा ऑन कर देते हैं, डाला है। अब हम इसमें प्याज काट के डाल देते हैं इसे। इसमें 3-4 प्याज हैं, प्याज के बाद हम डालेंगे लहसुन, पिसा हुआ अदरक, 2 टमाटर हैं, 1 गिलास पानी,
एक टेबल स्पून नमक, एक टेबल स्पून सूख मिर्च, आधा टेबल स्पून हल्दी, ये हमने दालचीनी, मोटी इलायची, तीन चार टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, तीन चार हम मोटी इलायची के डालेंगे। ये हम खड़े मसाले का जल्दी से पक जाने वाला मटन कोरमा बनाएंगे। इतनी हम काली मिर्चें डालेंगे साबुत। आठ दस लौंग, इसे हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसे प्रेशर में 5 मिनट के लिए वेट भी लगाएंगे। गोश्त को एक उबाला आ गया है, अब हम इसे 5 मिनट के लिए वेट भी लगाते हैं। मिनट के लिए हम इसे वेट दिलवाएंगे। 5 मिनट हमने इसका वेट दिलवाया, अब हम चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है, अब हम इसको जो साबुत लहसुन था उसको हम ऐसे चम्मच चलाएंगे तो सारे मसाले मिक्स कर दें। अब इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और मसाला मिक्स होता जाएगा। रोटी हमारी अच्छे से गल गई, अभी टूटेगी नहीं है। गोश्त में से पानी खुशक हो गया, अब हम इसमें 1 कप ऑयल डाल के तो इसे भुनेंगे। गोश्त हमारा भुन रहा है, इधर में हम दाल चेक कर लेते हैं। दाल भी तकरीबन हमारी गल चुकी है, ऑयल आना शुरू हो गया। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 5 मिनट तक हम अच्छी तरह से सेकी होंगे, घी भी चला है लेकिन अब इसको हम अच्छी तरह भी और भूनेंगे। गोश्त को हम थोड़ा सा नीचे पानी का छट्टा लगा के भूनेंगे। नीचे से जले ना, हल्की आंच पे इसको 5 मिनट और भुनेंगे। अच्छे टेस्ट के लिए गोश्त की भुनाई बहुत ज़रूरी है। गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। हमने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। घी बाहर आ जाएगा तो हम फ्लेम बंद कर देंगे। ऑयल ऊपर आ गया, ये हमारा खाना रेडी है। मटन खड़े मसाले वाला कोरमा हमारा तैयार है। हम चूल्हा बंद कर देंगे। हम दाल को देखते हैं, माश की दाल को। माश की दाल भी हमारी रेडी है, ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है। बहुत खड़ी खड़ी अलग दाने की शक्ल में है दाल, देखें बहुत प्यारी लुक है इसकी। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालेंगे।
कुछ हम गार्निश के लिए रख लेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला भी डालें। एक दफ़ा इसे हम हल्का हल्का मिक्स करेंगे, फिर हम डिश आउट करेंगे। बहुत मज़े की दाल तैयार हुई है और कोरमा भी बहुत मज़े का। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। डिश आउट कर लिया, अब हम इसको गार्निश करते हैं। सबज मिर्च और थोड़ा सा अदरक डालते हैं और डबा स्टाइल की जो दाल है अदरक भी डालते हैं। और लीमू से हम इसको और डेकोरेट करते हैं। लीजिए हमारी बहुत मज़े की ये दाल है, इस तरीके से आप भी ट्राई करें और इसको हम कोरमे को भी डेकोरेट करते हैं। लीजिए हमारा खड़े मसाले का कोरमा भी तैयार है और दाल माश ढाबा स्टाइल ये भी तैयार है। दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी हैं। हमारी वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है और अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।